कितनी कितनी बच्चा पार्टी हो गई। वैसे गाइस जब मैं यहाँ पे आया था सोचा था कि दित्य के फ्रेंड्स मिलेंगे यहाँ पे छोटे छोटे, ये तो सारे अपने फ्रेंड्स बन गए। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला अपना यहीं का। आज हम जाने वाले हैं अपना सलारपुर, आज दित्य को घुमाने ले जा रहे हैं उसकी बुआ जी के घर। तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले दित्य वहाँ पर, और उसको वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे अपने जैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे, और अपना भी घूमना हो जाएगा। तो सलारपुर को भी आज कवर कर लेंगे थोड़ा सा, कि उधर थोड़ा सा अलग सा ही माहौल है थोड़ा सा, एक साइड में जहाँ पे उसकी बुआ का घर है, तो दिखाते हैं आपको वो नज़ारा भी। ओके तो चलते हैं। हे गाइस नाउ वी आर हेयर। अभी हम रास्ते में रुक गए हैं रजपुरा, तो यहाँ पे कुछ सामान लेना था हमें वहाँ ले जाने के लिए। तो अब यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे कितना गजब का माहौल है, क्योंकि यहाँ पे अपने आसपास की सबसे फेमस बिरयानी मिलती है। मैं सोच रहा हूँ कभी इसको भी कवर किया जाए, एक लोग इसके लिए भी स्पेशल बनाया जाएगा। तो थोड़ा सा दिखा दिया आपका माहौल रजपुरा का सुबह के टाइम कैसा होता है यहाँ पे। साथ में दित्या, हेलो करो ऊपर। दित्या का थोड़ी सी मूड ऑफ आज, दित्या का वो इस वजह से क्योंकि इसका मन नहीं था आज कहीं भी घूमने का। घर पे अपने जो नित्या और नव्या थे उनकी साथ मस्ती कर रही थी, तो ज़बरदस्ती इसको लेकर आए हैं कि चलो आज बाहर चलते हैं घूमने कहीं। तो ये है अपने अयान बिरयानी वाले भैया। तो यहाँ का जो माहौल है यहाँ पे चाट टिक्की वगैरह काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी मिलती है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं, जैसे कि एक उधर है, एक इधर है, एक इधर है, और भी बहुत उधर भी बहुत हैं। गाइज नाउ टाइम टू कुछ खाने का। यहाँ चल रही अपनी पार्टी। दित्या कहाँ हैं, उसे भी तो खिलाना है कुछ। क्या क्या है? ये है अपनी पकौड़ी आलू की चटनी है, चाय, और ये अपना कुछ टिक्की वगैरह है। हे गाइज तो अभी अपना नाश्ता पानी हो चुका है, और अभी हम घूमने वाले थोड़ा सा अपना गांव ये सलारपुर जो है। मेरे साथ है यहाँ पे समर और गोल्डी, इनसे मिलते हैं, आ जाओ भाई। ये अपना गोल्डी और इधर अपना समर। थोड़ा सा आसपास की यहाँ की लोकेशन देखते हैं, फिर अच्छी अच्छी मतलब कुछ अच्छी सी जगह है यहाँ पे वो देखने चलेंगे, कुछ अच्छा सा माहौल मिलेगा हमें। तो गाइस आसपास का माहौल देखते हैं, ऊपर चलते हैं छत पे, तो आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो गाइस अभी चलते हैं छत पे और छत का नज़ारा देखते हैं, ठीक है। भाई सुंदर नज़ारा यार, बाकी में छत का दिखाओ। हे गाइस तो मैं आ गया हूँ छत पे अभी, तो गोल्डी और वो नीचे रह गए, उनको मैं छत पर नहीं लगाया, थोड़ा रास्ता छत पे आने का रिस्की है। वैसे तो ये चढ़ते रहते हैं यहाँ पे पतंग उड़ाने के लिए, और पतंग यहाँ पे उड़ भी रही हैं। ये अपना सलारपुर का नज़ारा। खेत हैं, मोर हैं,
और ये आ जाती है वही टावर जहाँ से हम कभी भी अपना नेशनल हाईवे के लिए शूट करते हैं, तो इसके नीचे ही हम खड़े होते हैं। ये अपना दूसरा टावर है, इसके भी आपने देखी होंगी शॉर्ट्स में, एक वीडियो बनाई थी मैंने। इधर आ जाता अपना एक कॉलेज, ये अपना ट्रांसलम इंटरनेशनल कॉलेज है। तो पीछे से कुछ ऐसा नज़ारा है, तो छत का नज़ारा हमने देख लिया आसपास का। अभी चलते हैं थोड़ा सा गांव को घूमने, नीचे से देखते हैं इस गांव को। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने समर के घेर में। चलो समर दिखाओ घेर कहाँ है। वैसे शॉर्टकट हम लेके उधर से आ सकते थे, हम उधर से नहीं आए थे। ओके खेत भी है ना। हाँ जी देखिए फ्रेंड्स, समर मस्ती कर रहा है। चलो भाई बताओ अपने घेर के बारे में बताओ भाई। समर देखिए घेर कितना बड़ा है। कितना बड़ा है? पतंग कहाँ उड़ा रहे थे अभी ये बताओ। वाकई में माहौल यार जितने कोड ले आते यहाँ पे। ओके चलो, ये है इनका छोटा सा खेत, जितने को काफी पसंद आएगा। ये सरसों है, ये इनके नाम बताओ अगर नाम पता है तो। बैंगन, सरसों, बैंगन, मूली, मूली, पालक, धनिया। ओके मूली ये रही, पालक धनिया का है ये रही। धनिया वाकई में मजा आ गया। ए गाइस तो अभी हम नीचे आ गए हैं, और थोड़ी देर पहले हम उस छत पे थे उधर ऊपर, वहाँ से हमने कवर किया था। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, उधर अपनी गाड़ी आ जाती है। नीम का पेड़, चिड़िया पंछी बहुत उड़ते नज़र आ रहे हैं आसपास। ओके दित्या भी आ गई। यार मुझे वो लग रही है जो मीठी खट्टी मीठी लगती है ना, वो घास होती है जो खाते हैं, पर ये वो नहीं है, ये मेथी है। देखो फ्रेंड्स ये तो खा लिया अभी इन्होंने। ये मेथी मेथी वो वाली है ना जिसका वो बनते हैं, साग बनता है और परांठे बनते हैं। हाँ। परांठे परांठे जो भी है मुझे पसंद है भाई, मेथी के परांठे। ये पालक है। दिस इज अ पालक। दिस इज अ पालक एंड दिस इज अ पालक। ओके मूली एंड दिस इज अ मूली। फिर पूरा नाम बोलो। दिस इज अ लेडीज। अच्छा मम्मा इधर पापा के पास जाऊंगी। बैंगन। दिस इज अ ब्रिंजल। ब्रिंजल ओके। समर दिस इज अ आई डोंट नो। दिस इज आई डोंट नो। दिस इज अ भूसा। चारा। आराम से चलो बच्चा पार्टी। ये लाल लाल सा क्या बताओ उधर क्या लग रहा है पेड़ पे, छोटा सा लाल लाल सा जो है मुझे। नो मिर्ची मिर्ची भी तो मिर्ची। मिर्ची नहीं है वो। वो मिर्ची है देख। हां ये छाए का पेड़। ये छाए का पेड़ है। यस बाबू इस पे बाल तो आए नहीं, छाए करेगा किसके, अभी तो बड़ा होने दो इसे। ये वाला है। दिस इज अ पापड़ी का पेड़। ओके बच्चों ने पूरा मजा ला रखा है यहाँ पे, पूरी मस्ती कर रहे हैं। ये कहाँ से ले आए आप, ये कौन है, इसका नाम बताओ। इसका नाम गुड़िया है। सोरिया। दिखाओ इसे उठा के देखते हैं, मैं खिलाऊंगा। रानी। रानी नाम है इसका। रानी क्या होती है जो बोल रहे थे स्पीड पे आके रहती है शाम को। चिड़िया का नाम है, किसका नाम है रानी। चिड़िया। अच्छा चिड़िया का नाम है। चलो झोड़ पे चलते हैं, झोड़ कहाँ है। समझ हम झोड़ दिखाएंगे बाप का। झोड़ कितना बड़ा है। कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है। उसमें इंसान गिर गया था, वो बहुत मुश्किल से मिला था। अच्छा मिल गया था। चलो अरे कितनी कितनी बच्चा पार्टी हो गई। वैसे गाइस जब मैं यहाँ पे आया था सोचा था कि दित्या के फ्रेंड्स मिलेंगे यहाँ पे छोटे छोटे, ये तो सारे अपने फ्रेंड्स बन गए, छोटे छोटे नन्ने नन्ने पूरी मस्ती कर रहे हैं। चलो भाई झोड़ पे चलते हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक झोड़ है, झोड़ में चलते हैं। झोड़ बहुत बड़ा है। मैं सुनाऊंगा इसमें, सब इसमें सवार हो जाओ, बैठ जाओ। ठीक है चलो चलो बैठो बैठो मजाक करने, चलो झोड़ पे घूमने चलते हैं, इसे मत घेर देना। हे गाइस नाउ वी आर हियर। पीछे अपना आ जाता है झोड़, लेकिन झोड़ वैसा नहीं लग रहा है जैसे हम सोचते हैं देखते हैं आज तक। यहाँ पे सारा झोड़ पे जो है ना घास वगैरह हो गई, पूरा कवर हो चुका है, कितनी बड़ी बड़ी घास है। और दिस इज अ समर। झोड़ के साथ समर। और ये यहाँ पे क्या, ये जंगल सा लगा हुआ पेड़ों का, कितना बड़ा जंगल सा लग रहा है। यहाँ पे बकरी भी है। ओके पर
झोड़ पूरा कवर हो चुका है जैसे कि मैंने अभी बताया। बीच में कितनी बड़ी बड़ी घास आइलैंड से बने हुए हैं छोटे छोटे से घास के। आगे चलते हैं अभी हम इनका चौपाड़, चौपाड़ नाम की जगह है वो, उसमें है ना इंजेक्शन लगते हैं इंजेक्शन और हाँ। तो गाइस ये चौपाड़ का नाम बोल रहे हैं बच्चे, वो चौपाड़ जो है वो सरकारी स्कूल है जहाँ पे कोविड-19 के इंजेक्शन लगे थे। बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो मेडिसिन हुई वैक्सीनेशन हुआ था कोविड-19 का तो स्कूल में हुआ था। चलो घूम के आते हैं बच्चे कर रहे हैं तो ऐसे ही टाइम तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे बिताना ही है तो घूमते हैं इधर उधर। बच्चा पार्टी मुझे ले आइए यहाँ के मंदिर पे, थोड़ा मंदिर पे घूमते हैं और फिर चलेंगे अपना दर्शन करते हैं। बिल्कुल ओके। ये अपना सिलारपुर का मंदिर है अपना। वाओ यार तुम्हारा गांव का मंदिर जो है बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर सा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, छोटा सा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे जो मेरा समर फ्रेंड बना है ये तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस है, मुझसे ज़्यादा एडवांस है ये तो। ये रहा अपना समर, चलो कराओ दर्शन। इधर क्या है समर ये बताओ, इधर क्या है ये जो रूम है ऑरेंज कलर का? अच्छा ये बैठने के लिए है थोड़ा। ओके खोलो। गाइस मैंने एक चीज़ पे अभी ध्यान दिया, यहाँ पे छोटी छोटी जो है वॉल्स में लाइट लगी हुई है, काफ़ी शानदार नज़ारा होगा शाम के टाइम पे। यहाँ पे एक चेयर भी आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं थोड़ा सा अगर चेयर पे बैठना चाहें तो, लेकिन बैठने के लिए आप नीट एंड क्लीन इतना कहीं भी बैठ सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके कूल कूल सा। ओके जय हो शिव शंकर महाराज, सारे देवी देवता यहाँ पे हैं, बजरंग बली जी भी हैं और शेर वाली माता भी हैं और बच्चा पार्टी भी है पूरी, मैं भी हूँ यहाँ पे अभी तक कैमरे के पीछे था। और यहाँ पे एक चीज़ और है देख सकते हैं इधर, आपने वो देखे होंगे क्या नाम, खट्टे खट्टे आंवला, आंवला के पेड़ है ये। ए गाइस यहाँ पे एक पेड़ भी है आंवला का, आपने देखे होंगे तो जूम इन करते हैं अगर आपको। ओके यहाँ पे थोड़ा बेटर व्यू है, देख सकते हैं ये सारे आंवले लगे हुए हैं, बहुत सारे आंवले लगे हुए हैं। आसपास हमारे बहुत ही कम पेड़ होते हैं, ये उनमें से ये एक है। ओके ए गाइस तो अभी थोड़ा सा बैठ जाते हैं यहाँ पे, चेयर पे बैठ गए हैं और बच्चा पार्टी से बात करते थोड़ा सा। आ जाओ भाई, आंवला तोड़ने लग गए सब, पेड़ हिला रहे थे बंदर की तरह। तो कैसा लगा भाई मंदिर, अपने मंदिर के बारे में बताओ कुछ। अच्छा है, मैं अपना बताता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सुंदर सा लगा, नीट एंड क्लीन और छोटा सा मंदिर। अपना भी खैर अच्छा है, मंदिर पसंद है मुझे, हाँ पसंद है मुझे, चाहे कोई भी मंदिर हो कैसे भी मंदिर हो, मेरी वीडियोज़ में ज़्यादातर आपको मिलेंगे मंदिर हर टाइप के। चलो बताओ आपकी बारी, छोटे बच्चों समर हाँ? बताओ मंदिर के बारे में, कब बनाए वैसे, कुछ बताना चाहोगे मंदिर के बारे में? ये मंदिर बना है 2007। अच्छा जब हम पैदा भी नहीं हुए। ओके कब पैदा हुए थे फिर? मंदिर 2004 में बना था। अच्छा मैं भुला कर हूँ थोड़ा सा। ठीक है और कुछ बताना चाहेगा? ग्रीन वाले बच्चे क्या नाम है इसका? दक्ष। दक्ष बोलो भाई, क्या बताओ? कुछ भी, कुछ भी। फंक्शन कैसे होते हैं यहाँ पे, मतलब जब कावड़ आती है उस टाइम पे क्या होता है, नवरात्रों में कैसा होता है? भंडारा भी होता है। अच्छा? भंडारा भी होता है यहाँ पे, जब शादी भी होता है ना तो यहाँ पे सारी चीज बढ़ जाती है, सब नाचते हैं। और कुछ अलग फंक्शन, जागरण वगैरह? जागरण होता है तब तो जंगल। चलो एक बार बाबा करते हैं भजन कीर्तन है ना, काफी स्पेस है। ओके ये देखिए गाइस ये छोटे सारे शैतान लग गए हैं आंवला तोड़ने में बंदर की तरह, इन्हें रोकता हूँ, नहीं ऐसे नहीं टूटेंगे यार। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी डिटेल भी लिखी हुई है मंदिर के गेट पर, बहुत ही डिजाइनिंग में, इन मेमोरी ऑफ लेट श्री बीरबल शर्मा। ओके
गाइस जब हम आए थे यहाँ पे गाड़ी से तो उस टाइम पे रास्ते में बहुत अच्छा एक वो आई थी सड़क से, छोटा सा रास्ता था खड़ंजे का, काफ़ी सुंदर था, तो उसे अभी हम वापस कवर करेंगे। उस टाइम पर तो हम आ गए थे और इधर एक खाली सा खेत है, बोल रहा है इधर कोई रिजॉर्ट या फिर मंडप बनने वाला शादी के लिए, इसलिए यहाँ पे जगह खाली कराई गई है। ये घास किस लिए भाई, ये जो घास उगई हुई है इतनी अच्छी, ये बिछी हुई है। अच्छा यहाँ का मंडप बनेगा तो यहाँ पे बाहर के लोग जैसे गांव के और बच्चे वगैरह खेलने आते हैं या नहीं आते घूमने? अच्छा घास खराब ना हो जिससे, है ना? इधर माना कर। ओके वहाँ पे लाइट, लाइटिंग वगैरह की हुई है सारे पेड़ों पर, रात को आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे वायरिंग आपको नजर आएगी हल्की हल्की, थोड़ा डेकोरेटिव सा लगे, अच्छा सा लगे तो ये पहले ही। ओके बहुत सारी आपको नज़र आएंगी यहाँ पे टंगी हुई, लेकिन अभी सिर्फ बता सकता हूँ इसके बारे में, रात को उसको देखने का मज़ा भी आता, नज़ारा ही अलग होता। चलिए अभी हम उधर की साइड चलेंगे, उधर से हम आए थे तो उस रास्ते को कवर करेंगे, काफ़ी सुंदर रास्ता है, पेड़ हैं बहुत सारे वहाँ पे, पंछी मिलेंगे, फूल भी है उधर, फूल का खेत भी है, हमने आते हुए थोड़ा सा कवर किया था। आपका अपना वो है वीडियो, जिसे जो बोलना है बोलना, अच्छी अच्छी बातें बोलनी है। अगर जो आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना है तो कमेंट में क्या क्या होता है।